नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी में गठबंधन को लेकर पल पल में इतने समीकरण बदले हैं कि क्या ही कहें। बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर नामांकन के आखिरी दिन यानी 4 अप्रैल तक गठबंधन से इनकार करने वाली बीएपी ने कांग्रेस का नामांकन होते ही गठबंधन का हाथ बढ़ाया। आपको हमने बताया था कि बीएपी से बांसवाड़ा लोकसभा सीट के प्रत्याशी राजकुमार रोत ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन करते हुए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को सीट को छोड़ती है तो हम और यहाँ के समस्त रहवासी कांग्रेस आलाकमान के आभारी रहेंगे और भाजपा को धूल चटाएंगे। जबकि इस पोस्ट से पहले बीएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन लाल रोत ने कांग्रेस से गठबंधन को लेकर साफ इनकार कर दिया था। बीएपी प्रत्याशी के पोस्ट के 24 घंटे में कांग्रेस एमएलए गणेश गोगरा ने बयान दे दिया जिसने अलग चर्चा छेड़ दी। घोगरा ने कहा कि बीएपी वास्तव में लोकतंत्र को बचाना ही चाहती है तो कांग्रेस को समर्थन दे दे, बीएपी प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले ले, दोनों मिलकर भाजपा को धूल चटाएंगे। ऐसे में अब दोनों के स्थानीय नेताओं के बीच टकराव के हालात बन गए। वहीं गठबंधन को लेकर स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने भी साफ इनकार कर दिया। सुनिए क्या कहा घोगरा ने। कहना चाहता हूं कि पहले आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे और आपके पदाधिकारी थे जो बीएपी के, उन्होंने बयान जारी किया था कि हम संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र लड़ेंगे, हम कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। कि आप कांग्रेस से गठबंधन कर लें, हमारे साथ आ जाएं, कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाएं। और बांसवाड़ा डूंगरपुर से आपने जो सांसद प्रत्याशी का जो फॉर्म भरा है उस फोरम को आप वापस उठा लें तो हम समझेंगे कि आपकी भावना वास्तविक में सही है, आप लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं। अगर आप फोरम नहीं, आपका नहीं उठाते हैं तो हम मानेंगे कि आप अपने स्वार्थ के लिए खाली गठबंधन की बात कर रहे हैं। सुना आपने। लेकिन 48 घंटे बाद ही यहां एक बार फिर से समीकरण बदल गए। कांग्रेस हाईकमान ने स्थानीय कांग्रेस नेताओं की बिना सहमति के ही बीएपी को समर्थन दे दिया। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक ट्वीट किया और लिखा कि कांग्रेस आगामी चुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र और बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में करेगी। अब भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। बदलते समीकरण और बीएपी के समर्थन से स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता पशुपेश में पड़ गए। वहीं समर्थन के बाद आज कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। बता दें कि नामांकन से पहले कांग्रेस गठबंधन करना चाहती थी, तब बीएपी इनकार करती रही। बांसवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस पहले से ही बीएपी से गठबंधन करना चाहती थी और यही वजह रही कि कांग्रेस ने नामांकन के आखिरी दिन यानी 4 अप्रैल तक बीएपी के नेताओं से बात की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर कांग्रेस ने आखिरी वक्त पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने बांसवाड़ा विधायक अर्जुन बामनिया को उम्मीदवार बनाया लेकिन उन्होंने नामांकन नहीं भरा। अब उनकी जगह डम्मी कैंडिडेट अरविंद डामोर ने फॉर्म भरा। कांग्रेस का प्रत्याशी आते ही बीएपी के तेवर ढीले पड़ गए और कांग्रेस से गठबंधन की ओर हाथ फिर से बढ़ा। कांग्रेस के स्थानीय नेता बीएपी से गठबंधन को लेकर साफ साफ विरोध में हैं। बीएपी नेताओं को गठबंधन के बाद अब कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर चिंता है। कांग्रेस नामांकन के वापसी के आज अंतिम दिन फॉर्म वापस लेती है तो आजादी के बाद पहली बार बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। जबकि बांसवाड़ा लोकसभा सीट आजादी के बाद से अब तक 9 बार से ज्यादा कांग्रेस के पास रही है जबकि बीजेपी 4 बार ही यहां जीत दर्ज कर पाई है। वहीं संसदीय सीट पर कांग्रेस की बात करें तो 8 में से 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है जबकि 2 बार भाजपा और 1 सीट पर बीएपी का विधायक है। बावजूद कांग्रेस की ओर से बीएपी को समर्थन स्थानीय कांग्रेसी नेताओं को अखर रहा है। वैसे यह तस्वीर तो पहले ही साफ हो गई थी जब नामांकन के समय पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने अपने पैर पीछे खींच लिए और अरविंद डामोर को पार्टी का सिंबल दिया गया। आजादी के बाद यह पहला मौका होगा जब कांग्रेस इस लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी जबकि वह क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रही है। अब संभावना यह है कि दोनों जगह कांग्रेस के प्रत्याशी सोमवार को नामांकन वापस ले लेंगे। इससे दोनों सीटों पर अब भाजपा और बीएपी में सीधा मुकाबला होगा। 72 साल में पहली बार ऐसा होगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतार कर गठबंधन कर रही है। इस मामले में जिलाध्यक्ष रमेश पंड्या ने कहा कि हमें तो जो हाईकमान आदेश दे वो करना है। मेरी अर्जुन बामनिया जी से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि मैसेज तो यही आया है।
बीएपी से गठबंधन करना है। अब बीएपी से गठबंधन की बात चल रही है, कांग्रेस ने परिस्थिति को देखते हुए फैसला लिया है। बांसवाड़ा उपजिला प्रमुख डॉक्टर विकास बामनिया ने भी कहा कि बीएपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो चुका है, यह समय की मांग है। बांसवाड़ा में काफी उत्साह है, बीएपी के कैंडिडेट को बढ़त मिलेगी, जीत का मार्जिन बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए अब बीएपी के साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस ने 4 साल पहले पंचायत राज चुनाव में बीटीपी को हराने के लिए भाजपा से गठबंधन किया था। डूंगरपुर में 27 में से 13 सीटें जीत कर भी सबसे बड़ी पार्टी बीटीपी जिला प्रमुख नहीं बना पाई थी और 8 सीटों वाली भाजपा ने कांग्रेस के 6 सदस्यों के समर्थन से अपना जिला प्रमुख बना लिया। वही खेल सिमलवाड़ा, सागवाड़ा और गलियाकोट में भी हुआ। सागवाड़ा और गलियाकोट में कांग्रेस के समर्थन से भाजपा ने बीटीपी से प्रधान पद छीन लिया था। सिमलवाड़ा में एक निर्दलीय ने भाजपा के पक्ष में मत देकर भाजपा का प्रधान बना दिया था। गलियाकोट में बीटीपी का एक प्रत्याशी वोट डालने ही नहीं आया, इससे भाजपा और बीटीपी को 8-8 मत मिले थे और बाद में लॉटरी होने पर भाजपा जीती थी। कांग्रेस के समर्थन के बाद बीएपी प्रत्याशी राजकुमार रोत ने भी अब पोस्ट किया है कि भारत की लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था को संरक्षित करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र और बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव में भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी को समर्थन देने की घोषणा की, उसका हम स्वागत करते हैं। क्या कहना है इस पूरे मामले पर आपका, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।